हाँ तो देखिए, हमने इसके इसके वाले पहले हम फीटल सर्कुलेशन की यह है सेकंड वीडियो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ किया था, और देखिए इसमें कुछ बच गया था क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। ओके, तो अब हम वो पूरा का पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए ये क्या है, इन्फीरियर वेना कावा। बेसिकली इन्फीरियर वेना कावा अपना पूरा ब्लड, जो भी ब्लड होता है वो कहाँ से कलेक्ट करती है। इन्फीरियर वेना कावा जो ब्लड कलेक्ट करती है वह करेगी कहाँ से, वो यहाँ लिखेंगे लोअर लिम्ब से। लोअर लिम्ब का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, फाइनली फाइनली जाएगा हमारे इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। एंड देन ये कलेक्ट करती है एब्डोमन से, एंड ये कलेक्ट करती है थोरेक्स से। ओके, तो यहाँ से सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा हमारे इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। एंड इन्फीरियर वेना कावा कहाँ ड्रेन करेगी, राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना कावा बेसिकली ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट, ये कहाँ से ब्लड कलेक्ट करती है, तो ये कलेक्ट करती है हमारे हेड से, ब्रेन से। यार ऊपर का पूरा सामान, हेड हेड ब्रेन नेक एंड अपर लिम, देखिए ना अपर लिम। तो इन चारों जगह से, हेड ब्रेन नेक एंड अपर लिम, इन चारों जगह से पूरा ब्लड कलेक्ट करती है और कहाँ डालती है, सुपीरियर वेना कावा के अंदर। तो इन चारों जगह से ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा के अंदर, एंड बेसिकली फिर सुपीरियर वेना कावा कहाँ डालती है, राइट एट्रियम के अंदर। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए हम आपको यहाँ पे पांच चीज़ें दिखाएंगे। पांच चीज़ें क्या, कि जो कि बच्चे में होती है, फीटस में होती है, लेकिन आफ्टर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें नहीं होती है। पांच चीज़ें क्या, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं, मेन काम की बात है वो पांच चीज़ें। अब वो पांच चीज़ें क्या हैं, सबसे पहली वाली चीज़ है लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन। देखिए इनको फोकस कर लेना, ये इनको तो याद ही कर लेना, क्योंकि अगर आपने पूरा चार्ट पढ़ लिया, इन पाँच को नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली होती है कौन, लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन। उसके बाद सेकेंड होती है डक्टस विनोसस, दिस इज नंबर टू। पांच चीज़ें देखनी है। नंबर थर्ड कौन सी होगी, फोरामेन ओवेल। नंबर फोर्थ कौन सी होगी, डक्टस आर्टेरियोसस। नंबर फिफ्थ कौन सी होगी, अम्ब्लाइकल आर्टरी। तो देखिए मैंने इन पांच चीज़ों को हाईलाइट किया है क्योंकि ये ओनली फीटस में प्रेजेंट होती है, एंड जब भी बंदा एडल्ट होता है तो बेसिकली ये पांचों चीज़ें रेमिनेंट हो जाती है। मतलब जो ये छेद है ये छेद बंद हो जाएगा, जो ये वेन है ये भी बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। वो बेसिकली वेन ब्लॉक होकर क्या बनाती है, वही लिगामेंट्स, ये वेन होके लिगामेंट बनाएगी। अब बेसिकली ये वेन किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू लिवर। ये लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन, दिस इज रिलेटेड टू लिवर, मतलब लिवर के लिगामेंट में आप क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन। क्योंकि ये वेन बच्चे में तो होती है, फीटस में तो होती है, लेकिन एडल्ट में ये लिगामेंट बन जाती है। वैसे ही अम्ब्लाइकल आर्टरी, ये भी कोई पाइप है, अज्यूम कीजिए आर्टरी पाइप ही तो है, अगर इसको मैंने भर दिया तो ये भी क्या बन जाएगी, लिगामेंट। और ये वाला ये जो लिगामेंट बनती है वो बेसिकली काम क्या होता है, मीडियल अम्ब्लाइकल लिगामेंट। ओके, तो वही देखना है कि ये पांच चीज़ें, 1 2 3 4 5, ये पांच चीज़ें छोटे बच्चे में तो एक्टिव हैं, मतलब छोटे बच्चे में तो प्रेजेंट है, लेकिन बंदे में, एडल्ट में ये पांच चीज़ें क्या बनाती हैं, वो देखना है हमें आगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वही काम की बात है, उन्हीं से ही क्वेश्चन पिकअप होता है। तो पांच चीज़ों को पहले हम यहाँ लिख रहे हैं, एंड देन फिर देखेंगे कि ये क्या बनती हैं। सबसे पहली क्या थी, लेफ्ट अम्ब्लाइकल वेन। सेकंड क्या है, डक्टस विनोसस। नंबर थर्ड क्या थी, फोरामेन ओवेल। देखिए मैं यही लिख रहा हूँ फोरामेन ओवेल। फिफ्थ क्या थी, डक्टस। फोर्थ क्या थी, डक्टस आर्टेरियोसस। फिफ्थ क्या थी, दिस इज अम्ब्लाइकल आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट दोनों के दोनों, दो थी ना लेफ्ट एंड राइट, तो अम्ब्लाइकल, AMBLI अम्ब्लाइकल आर्टरी। ओके, तो ये पांच चीज़ें बंदे में तो होती हैं, मतलब चेंज एट बर्थ। हम इसका हेडिंग क्या है जो हम बता रहे हैं यहाँ पे अभी इस वीडियो में, चेंज एट बर्थ। कहाँ पे है इसकी हमारा, चेंज एट बर्थ, मतलब कि चेंज एट बर्थ मतलब कि
लंग्स स्टार्टिंग फंक्शनिंग, मतलब जैसे बंदे का बर्थ होता है तो बेसिकली लंग स्टार्टिंग हो जाएगी, लंग्स वर्क करने लग जाएगा। अब लंग्स हमारा मतलब फीटस का लंग अगर वर्क करने लग गया तो बेसिकली अब बंदा खुद फीटस खुद अपने इम्प्योर ब्लड को प्योर कर सकता है। तो उसके बाद जब लंग्स एक्टिव होते हैं तो उसके बाद ये पाँच चीज़ें कोई काम की नहीं है। ये पाँच चीज़ें कब काम की है? जब फीटस में, क्योंकि फीटस के पास लंग एक्टिव नहीं है तो ये पाँच चीज़ें बहुत काम की हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ ये पांच चीज़ें काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अब बंदा खुद अपना ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, अपने खुद के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर सकता है क्योंकि लंग्स वर्क कर रहे हैं। ओके, क्योंकि लंग्स वर्क कर रहे हैं। तो चेंज एट बर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, लंग्स स्टार्टिंग फंक्शनिंग। ओके, तो लंग्स स्टार्टिंग फंक्शनिंग। अब बेसिकली देखना है कि ये तो है बच्चे में, अब बंदे में क्या बनाती है, मतलब एडल्ट में क्या बनती है। तो जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है ये बेसिकली बंदे में क्या बनाएगी? लिगामेंटम टेरीज। और इसे कहाँ पढ़ते हो आप? ऐसे पढ़ते हो आप लिगामेंट ऑफ लीवर के अंदर, क्योंकि हमने बोला ना लेफ्ट अम्बिलिकल वेन कहाँ जा रही है? लीवर में। तो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू लीवर, लीवर लिगामेंट्स। तो लिगामेंटम टेरीज इसे पढ़ते हो आप, दिस इज द ट्रू लिगामेंट ऑफ लीवर। ओके, क्योंकि ये फीटल का रेमिनेंट है, फीटल में ये एक्टिव थी, इसमें कुछ सामान भर गया, उससे बन गया ये लिगामेंट। डक्टस विनोसस ये क्या थी? ये बच्चे में बंदे में एक्टिव थी, देन ये आई मीन बंदे में एडल्ट में क्या बनाती है? ये बनाती है लिगामेंटम विनोसम। देखिए आपको ये दोनों और ढंग से देखना है ना, तो हमारे साइड में एप्टन पे जाइए, वहाँ पे लीवर एनाटमी है, वहाँ पे है लिगामेंट्स ऑफ लीवर। लिगामेंट्स ऑफ लीवर को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, फास्ट लिगामेंट, ट्रू लिगामेंट। तो आप ट्रू लिगामेंट्स के अंदर ये दो लिगामेंट पढ़ते हैं, ये दो ही लिगामेंट होते हैं लीवर के जो ट्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर फीटल डेरिवेटिव, दीज आर फीटल रेमिनेंट। फीटल में ये थी लेकिन ये बन गई। तो लिगामेंट विनोसम इसको भी आप कहाँ पढ़ते हैं? लीवर लिगामेंट्स के अंदर, ट्रू लिगामेंट्स ऑफ लीवर के अंदर। इसको भी कहाँ पढ़ेंगे? ऊपर वाले को, टेरिस को भी, ट्रू लिगामेंट्स ऑफ लीवर के अंदर। फोरामेन ओवल दिस इज क्लोज, मतलब फोरामेन ओवल क्लोज हो गया, ये येलो वाला क्लोज हो गया, सॉरी ऑरेंज वाला। अगर ऑरेंज वाला क्लोज हो गया तो बेसिकली राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ नहीं जाएगा, सॉरी राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ नहीं जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। मतलब कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड जाएगा लेफ्ट, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, बट राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एडल्ट में फोरामेन ओवल क्लोज हो गया, दोनों के बीच जो चैनल है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच का चैनल बंद हो गया। डक्टस आर्टेरियोसस ये क्या बनाता है एडल्ट में? ये बनाता है बेसिकली लिगामेंटम आर्टेरियोसस। तो ये बनाएगा एडल्ट में लिगामेंटम आर्टेरियोसस। अम्बिलिकल आर्टरी ये क्या बनाती है? ये एडल्ट में बनाती है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। बेसिकली पहले आर्टरी थी, अब काम की नहीं है तो किसमें सामान भर दिया, सामान भर दिया मतलब आर्टरी बंद कर दी, तो क्या बन गई? लिगामेंट। लिगामेंट मतलब मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, देखिए इन पाँचों से बहुत क्वेश्चन पिकअप होते हैं, इनको रट लेना, डायरेक्ट एमसीक्यू मिलेंगे आपको। ओके, तो हमारा सेकंड वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई कि बेसिकली फीटल सर्कुलेशन के, मतलब जो हमने पांच चीज़ें बताई थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, कि बेसिकली ये कैसे एडल्ट में, मतलब ये पांच चीज़ें मिलेगी बंदे में छोटे बच्चे के अंदर, एंड देन ये पांच चीज़ें इन फीटस क्या बनाती हैं? ये पांच चीज़ें, मतलब ये पांच चीज़ें ब्लॉक होके एडल्ट के अंदर ये पांच चीज़ें बनाती हैं। कुछ लिगामेंट बनते हैं, कुछ क्लोज हो जाती हैं, ये भी लिगामेंट बना, मतलब मैक्सिमम क्लोज होती है, एक तो क्लोज हो गई और चार लिगामेंट बन गए, सॉरी फोरामेन तो क्लोज हो गया और जितनी भी नलचियाँ थी, देखिए ना यार, हाँ समझ में आया, देखो ना ये भी क्या थी? नलची वेन थी, मतलब नलची है। डक्टस विनोसस ये भी नलची है, उसके बाद देखिए फोरामेन ओवल ये नलची नहीं है, खड्डा है, छेद है। डक्टस आर्टेरियोसस ये भी क्या है? नलची है। उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी ये भी क्या है? नलची है। तो देखिए चार नलचियाँ हैं, 1, 2, 4, 5,
तीन नंबर को छोड़ के चार नलची है, चारों नलचियों ने क्या बनाया, लिगामेंट। कॉमन सी बात है, ये नलची है, नलची मतलब आर्टरी या वेन, तो बेसिकली इसमें सामान भर दिया तो क्या बन गई, लिगामेंट। तो लिगामेंटम 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 एंड दिस इज मीडियल लंबाई का लिगामेंट। जो छेद था वो क्या बन गया, भर गया, खत्म का। तो भाई पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखिए यार वीडियो कैसी लगी आपको, ये सेकंड वाली कैसी लगी और फर्स्ट वाली कैसी लगी, तो प्लीज़ यार भाई कमेंट में बताना, ओके। देखिए इस वीडियो को बनाने यार बहुत टाइम खर्च हुआ है, मतलब आता था मुझे, लेकिन इसको अच्छा बनाने में मेरा बहुत टाइम खर्च हुआ है, तो प्लीज़ यार कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए कि हाँ यार आपको कैसी लगी या कैसी नहीं लगी है। एंड फाइनली इफ़ यू लाइक माई वर्क, जब भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, आपको अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए डोनेशन के जो भी मेथड है वो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बता रखे हैं, लाइक गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, जो भी आपको पसंद है शेयर कर, मतलब आई मीन डोनेशन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में, इसी में नहीं, कोई सी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, चैनल में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। और हाँ कमेंट ज़रूर कीजिए यार कि वीडियो कैसी लगी। और पूरा चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये वाला चार्ट पूरा चार्ट मिलेगा आपको हमारे फेसबुक पेज पर, एकदम डिट्टो ऐसा कैसा ही हम अपलोड करते हैं फेसबुक पेज पर, ओके।